तो फ्रेंड्स आपको एक पिन ले लेनी है जो ईयरफोन की पिन है, ख़राब ईयरफोन से निकाली है मैंने। आपको ये तीन छल्ले वाली रिंग लेनी है जिसमें कि तीन प्लास्टिक के जो छल्ले आपको सफ़ेद वाइट कलर में दिख रहे हैं, ये तीन छल्ले हों। इसमें हम आपको दिखाते हैं, ये जो है ये प्लस माइक के लिए प्लस का काम करेगा, ये वाला ऊपर वाला, और ये GND है नीचे वाला जो है ये GND, और ये स्पीकर के हैं, स्पीकर जो होते हैं। हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, हमें एक तो ऊपर वाला प्लस का और बीच वाला GND यानी ग्राउंड का तार है, आप इसको यूज कर सकते हैं। और यह है एक माइक्रोफोन, इसमें आपको एक तरफ तीन लाइन्स दिख जाएंगी वायर से, वो GND यानी माइनस का तार और ये वाले प्लस का। और ये मैंने एक ख़राब हेडफोन भी निकाला था, ये इसका कवर है, तो मुझे फ़ायदा हुआ, मैंने इसको रख लिया। आप कोई भी माइक चूज कर सकते हैं ईयरफोन का भी। ये मेरे पास वायर है, एक और वायर है, और एक ये है, ये मैंने ख़राब ऑक्सलीड से निकाल लिया है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक करना, और मैं इसकी फोल्डरिंग कर देता हूँ। पहले इसको इसमें डाल करके माइक के खोल में कवर है ये, यहाँ पर एक गांठ लगा देनी है, ये वापस नहीं निकले। तो देखते रहिए आप, और मैं फोल्डरिंग कर दूँगा माइक, माइक की फोल्डरिंग करनी है अब यहाँ पर। देखिए सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको माइक लेना है अपना, और उसमें मैंने रेड वाला वायर जो है वो प्लस में लगा दिया है, और वो दूसरा GND ग्राउंड में लगा दिया है, थोड़े से इस पर फ्लेक्स लगा के फोल्डरिंग कर देनी है। और मैं इस पर फोल्डरिंग कर रहा हूँ। फोल्डरिंग करते समय आपको ध्यान रखना है कि एक तो वो साइड वाले कवर को ना छुए, जो एल्यूमिनियम का कवर होता है इसको टच नहीं करें यहाँ पर जो फोल्डरिंग होगी, वरना हमारे माइक से अजीबोगरीब आवाज़ आने लगेंगी, और ना ही आपस में छू जाए। तो फ्रेंड्स देखो, इसकी फोल्डरिंग अच्छे से कर देनी है आपको, पूरी सेफ्टी से। आप यहाँ पर ईयरफोन वाला माइक चूज कर सकते हैं, किसी ख़राब फोन से निकला हुआ माइक लगा सकते हैं, और आपका जो मन करे वो लगा लेना। स्पीकर भी माइक की तरह ही वर्क करता है, आप यहाँ पर स्पीकर भी लगा सकते हैं, छोटा सा स्पीकर, मोबाइल का स्पीकर या फिर ईयरफोन वाला स्पीकर शायद। तो आप इसको मेरे, मैं इसको सेट कर देता हूँ, इसको अच्छे से सेट करके कर दिया। अब यहाँ पर इसके पिन में भी फोल्डरिंग कर देते हैं। देखिए फ्लक्स लगाते हैं, और यहाँ पर इन तारों को सोल्डर कर देते हैं। अच्छे से सोल्डर करना है तभी काम चलेगा। ये देखिए सोल्डरिंग आयरन है ये नहीं, तो इसको लगा देते हैं। नई आयरन लाया हूँ मैं, 120 रुपये का, ये बहुत अच्छा काम कर रही है फ्रेंड्स। मुझे तो लग रहा है मैं लूट गया यार, इसको नेट पर इंटरनेट पर निकाल के देखा तो यार 80 की है, मैं लूट गया। आप मत लूटना। और ये देखिए अच्छे से सोल्डरिंग कर देनी है इसकी। आपको ध्यान रखना है ये दूसरे तार को न छुए, नहीं देखिए फिर छू लिया। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ हल्का सा, और ये हट गए एक बेर में हट गए मोपा आवे फोल्डरिंग करनी देख लो तब। चलो अब आगे देखते हैं। देखिए मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, ऊपर वाला प्लस का है, और ये जो दूल के नंबर पर सेकंड नंबर पर है ऊपर से, वो है माइनस का ग्राउंड तार है वो। चलो तो अब इसके ऊपर आप डायरेक्ट चेपक मत लगाना, पहले इस पर पिन ही लगा देना पॉलीथीन, वरना कुछ, मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं, माइक से कुछ अजीब सी आवाज़ आती है, पिंग कुछ ऐसा करता रहता है वो, ज़्यादा करता है, लेकिन अब भी करेगा, थोड़ा कम करेगा। तो आप इस पर चेपक लगा कर इसको मजबूत कर देंगे। थोड़ी देर के लिए मैं अपनी पैं बंद कर लेता हूँ।
नौहोरी बंद। चलो तो ठीक है, बता रहा हूँ मैं। ये जो आप साउंड सुन रहे हैं ना, ये इसी माइक से ऐड की गई है। जो मैं माइक बना रहा हूँ, ये इसी माइक से ऐड की गई साउंड है। कैसी है, अच्छी आ रही होगी? इसको थोड़ा मजबूत कर देना है आपको। मेरा मुद को बोलते बोलते है। ये मैंने इसकी पिन अलग करी है, इसकी पिन अलग। मुझे थोड़ी लॉन्ग वायर चाहिए इसलिए, तो इन दोनों वायर्स को मैं आपस में जोड़ दूंगा, प्लस और ग्राउंड की वायर का ध्यान रखते हुए। और बल्लेबाज पूरी सावधानी के साथ तारों को जोड़ रही हैं, कोई भी गलती नहीं की जा रही है इनकी तरफ से। और देखिए क्या बेहतरीन प्रदर्शन हो रहा है यहाँ पर। अभी फ्लक्स लगाएगा, लगाएगा फ्लक्स लगाएगा, और आप देखते रहिए फ्लक्स लगाएगा कि नहीं। लगा लिया फ्लक्स, लगा लिया। मतलब इस पर हल्की सी फोल्डरिंग करेगा, हम पहले ही बता रहे हैं फोल्डरिंग करेगा। और इसने देखे फोल्डरिंग कर दी, थोड़े से धुएं हटा दिए, धुएं उठ गए हैं। वाओ, उंगली में भी लगा के देख ले तो अच्छा रहेगा ना। यहाँ पर भी ये पॉलीथीन लगा रहा है, पॉलीथीन लगाने का फायदा बता चुका है ये हमको। तो अब आप देखिए इस पर भी चेपक लगा रहा है। तो फ्रेंड्स, मैंने इस पर चेपक लगा दी है, चेपक टेप। और इस पर थोड़ी सी और लगा देते हैं इसको थोड़ा मजबूत और करने के लिए। ये देखिए पैन लेके देखो कैसे बैठो, जैसे पढ़ा लिखा होगा घनोई। अरे यार कर दिया तो कम हो को दिखे माइक तैयार। अब आगो अपनी टेंट है करने, देखो आगो। तो फ्रेंड्स, अभी जो हमने माइक बनाया था वो माइक अब हम चेक करने वाले हैं। माइक चेक करने के लिए आप पहले मेरी आवाज़ सुनिए, आपको कैसी आवाज़ आ रही है। बैकग्राउंड साउंड सुनिए और किचर पिचर जो आ रही है उसको सुनिए, और आवाज़ की क्वालिटी चेक करना। और अब हम आपको माइक चेक करेंगे। माइक चेक करने से पहले आपको ओपन कैमरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। ओपन कैमरा प्ले स्टोर पर है, उसमें वीडियो सेटिंग्स में जाकर आप माइक को, ऑडियो फोर्स को चेक करके आप चेक कर सकते हैं। एक्सटर्नल माइक और कोई सा माइक चेक कर लेना, आप वहाँ पर सेटिंग में जाकर सेट कर लेना। और अब हम आपको माइक चेक करके दिखाते हैं। मेरा माइक एक सेकंड, ये हमारा वही वाला माइक है देखिए, जिसको भी अभी हमने बनाया था। तो मैं अभी इस माइक को लगा देता हूँ बिल्कुल। ये अब आपको थोड़ी सी आवाज़ अजीब आवाज़ आई होगी, पी कुछ ऐसी। हेलो हेलो हेलो, आपको आवाज़ आ रही होगी अच्छे से, आ रही आवाज़। हेलो 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 हेलो, साउंड चेक। आकुल कसाना एक्सपेरिमेंट्स बम्बा, और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, और एक घंटा बजा देना, घंटा बजा देना और वीडियो को लाइक करना। ओके।